أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وآله وبارك وسلم، السلام عليكم. مجھے بتائیے گا، آواز، سکرین اور کیمرہ، کیا تینوں چیزیں آپ کو بالکل کلیئر ہیں؟ آواز، سکرین، کیمرہ، ڈن. सबसे पहले तो वेलकम. कल हमारी क्लास नहीं हो पाई बिकॉज आई वॉज नॉट वेल एंड स्टिल आई एम नॉट वेल. गला बहुत दर्द कर रहा है और बुखार भी करंटली है, बट स्टिल लेट्स मूव अहेड. मुझे ये बताइए कि क्या आप लोगों ने चैप्टर नंबर 12 के पास्ट पेपर्स को प्रॉपरली सॉल्व किया था? जो सवाल हम क्लास में नहीं कर पाए थे, क्या आपने उनको घर पे अटेम्प्ट किया था? और अगर किया है तो मुझे बताइए कि उनमें क्या मसले हैं, क्या इश्यूज हैं जो कि आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं, आप लोग पूछना चाहते हैं. What are the issues, what are the problems जो के आप discuss करना चाहते हैं तो मुझे बताइए. ठीक है, attempt किया था, आपको issue कोई खास नहीं है, done, कोई ऐसा मसला नहीं है. हम लोग अब क्या करेंगे, Tuesday, Wednesday, Thursday, कोशिश करेंगे कि Thursday तक, नहीं तो Friday तक हम लोग इस chapter को end करें और सैटरडे वाला दिन रखें पास्ट पेपर्स के लिए इस चैप्टर के. और अगर टाइम मिला तो चैप्टर नंबर 12 को भी, जो हमने पेंडिंग छोड़ दिया था. पेंडिंग तो खैर नहीं, टाइम की वजह से हम लोगों ने उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे, बट कोशिश करेंगे कि उसको भी पूरा कर लें. और अगर आप लोग खुद से करना चाहते हैं तो ये तो और अच्छी बात है. तो जहां पे मसला है वहां पे आपने फौरन से एक दफा ग्रुप में बता देना कि सर ये वाला इशू हमें आ रहा है, तो बताइए कि इस चीज को कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं. अब अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो अब आप लोगों को थोड़ा सा सीन क्लियर है. अच्छा, आज ट्यूसडे, ठीक है. वो वैसे तो रात 12 बजे का टाइम होता है, बट मैं उनको कह देता हूँ, वो देख लेते हैं. तो अगर लेट भी अपलोड करेगा तो वो आपको एक्स्ट्रा टाइम तो देगा, ठीक है. तो इस चीज से तो वो नहीं है, तो उसमें मसला नहीं है, मैं बात कर लेता हूँ. जी, मैं ये कह रहा था कि अब आपको पार्टनरशिप की गेम समझ आ गई है. चैप्टर 11 ने हमें कहा था कि पार्टनरशिप क्या है, कैसे बनती है, इसमें क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं, वो सारी कहानी. तो चैप्टर 11 वाज बेसिकली ऑल अबाउट कि क्या पार्टनरशिप मौजूद है या पार्टनरशिप मौजूद नहीं है. माइक जी. तो चैप्टर 12 के अंदर हम लोगों ने फिर बात की कि पार्टनर्स के आपस में क्या राइट्स हैं और क्या लाइबिलिटीज हैं, इस तरह की चीजें चैप्टर नंबर 12 में. और अब हम लोग बात करने लगे हैं रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विद थर्ड पार्टीज, यानी कि पार्टनर्स के क्या राइट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज हैं, क्या ड्यूटीज हैं, आपस में नहीं, थर्ड पार्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से. आप लोग जो अभी पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, हो सकता है आपको कुछ चीजें उनमें ऐसी नजर आई हो, कुछ अल्फाज ऐसे नजर आए हों जो कि अभी आपको उस वक्त समझ ना आ रहे हो, वो शायद इस चैप्टर के अंदर के छुपे हुए. असल में होता ये था कि पहले ही चैप्टर्स कंबाइन थे, एक पूरा चैप्टर होता था पार्टनरशिप को लेके, और उस पूरे चैप्टर में से ही आई कैप सवाल निकालता था. तो सवाल की जो लॉजिक बनती थी वो पूरे चैप्टर को ध्यान में रख के बनाई जाती थी. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसने चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया तीन हिस्सों में.
और अब जब वो सवाल निकालता है तो देखता है कि भाई अगर तो उसने चैप्टर नंबर 11 से सवाल पूछना है तो फिर 11 के एरियाज को टेस्ट करेगा, 12 को पूछता है तो 12 के एरियाज को टेस्ट करेगा, सेम गोज विद 13। बट हाँ, वो एक कंप्लीट सवाल भी निकाल सकता है जिसमें 11वां 12वां 13वां तीनों के कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहे। तो पास्ट पेपर्स को देख के अगर आप लोग ये परेशान हो रहे हैं कि सर इसमें मुश्किल अल्फाज आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, इसकी लॉजिक मैंने आपको बता दी। और एक और बात भी ये कि अब पार्टनरशिप को काफी रिड्यूस कर दिया गया, पहले किसी टाइम के अंदर ही बहुत ज्यादा होता था, सिंगल चैप्टर होता था, इससे 30 नंबर तक की वेटेज होती थी और आईकैप इसको अच्छा खासा टेस्ट करता था। बट अब उसने आसान कर दिया है क्योंकि पेपर भी अब ग्रुप ए में चला गया और आईकैप नहीं चाहता कि ग्रुप ए के बच्चों को इतना तंग किया जाए माँ सिवाय रिपोर्टिंग के, तो ई पेपर उसने अब आसान बना दिया है। पेपर भी इस दफा का रिलेटिवली आसान था, पासिंग परसेंटेज बहुत ऊपर थी, आई कैन इजिली से के दैट पासिंग परसेंटेज वाज मैक्सिमम आई हैव एवर सीन फॉर बी लॉ, 45%। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अगर आप लोग साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लिख लिख के तैयार कर रहे हैं, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो चीजें आपके लिए इंशाल्लाह ताला एग्जाम में काफी ज्यादा बेहतर साबित होगी। विदाउट फर्दर अडू शुरू करते हैं रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज, चैप्टर 13। कुछ कॉन्सेप्ट्स जो कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑल्दो वो हम एक दफा पहले पढ़ चुके हैं, बट स्टिल चैप्टर की डिमांड है तो हमें देखना तो है। सबसे पहली बात जो ये चैप्टर कर रहा है दैट इज अथॉरिटीज। अथॉरिटी क्या होती है, अथॉरिटी क्या है, हमें पता है कि अथॉरिटी इज राइट, अथॉरिटी इज राइट। आप किसी बंदे को ये हक दे देते हैं, ये राइट दे देते हैं या उसकी ड्यूटी में वो जॉब डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हैं कि भाई तुमने ये काम करना है, तुम इस काम को करने के अहल। तुमने ये काम करना है, तुम इस काम के करने को अहल। यस, पावर टू डू समथिंग, राइट टू डू समथिंग। तो अथॉरिटी डील्स विद अहलियत। बींग अ टीचर आई हैव एन अथॉरिटी टू चार्ज फाइन्स ऑन दो स्टूडेंट्स जो कि टेस्ट नहीं देते। और वाकई में अगर ये फिजिकल होता तो फाइन बिल्कुल चार्ज होते। बींग अ स्टूडेंट यू हैव एन अथॉरिटी, आपके पास अथॉरिटी है कि आप जो है वो अपने टीचर से डिमांड कर सके कि सर सिलेबस टाइमली कंप्लीट करवाए। कॉलेज हैज द अथॉरिटी टू आस्क मी कि सर आपने एक बैच और पढ़ाना या आपने इतने घंटे पढ़ाने। तो अथॉरिटी इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू पावर, समथिंग विच इज रिलेटेड टू पावर। दो तरह की अथॉरिटीज होती है, एक एक्चुअल अथॉरिटी और एक इम्प्लाइड अथॉरिटी। एक्चुअल अथॉरिटी वो अथॉरिटी जो कि डिस्क्राइब कर दी गई हो, किसमें, पार्टनरशिप डीड के अंदर या किसी एग्रीमेंट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। भाई ए बी सी पार्टनरशिप, शुरू में ही फैसला हो गया था कि बी विल हैव द अथॉरिटी टू मेक ऑल कैश ट्रांजैक्शंस विदाउट एनी
आस्किंग, यानी कि वो ए और सी से पूछे बगैर कोई भी ट्रांजैक्शन कैश बेसिस पे कर सकता है, बाकी लोग नहीं कर सकते। ये बी को अथॉरिटी मिल गई। अब ये बात ए और सी को तो पता है जिन्होंने अथॉरिटी दी है। लेट सपोज कुछ महीनों के बाद ये लोग डी को इनकॉर्पोरेट करते हैं पार्टनरशिप में, और डी को इनकॉर्पोरेट करने के बाद पता ये चलता है कि ये जो अथॉरिटी थी ये किसी जगह पे लिखी नहीं हुई थी, और जब बी कैश बेसिस पे ट्रांजैक्शंस करता था बगैर किसी से पूछे, तो ये जो डी है इसको उकसाता था कि भाई ये ट्रांजैक्शंस क्यों कर रहा बगैर पूछे। डी गया गुस्से से ए के पास, सी के पास, के भाई देखो बी जो है वो ट्रांजैक्शंस पे ट्रांजैक्शंस करता जा रहा है कैश बेसिस पे, तुम लोगों को क्या कोई खबर नहीं है, कुछ पता नहीं है। तो वहां पे ए और सी कह सकते हैं कि भाई उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास तमाम पावर है, उसके पास तमाम राइट्स हैं कि वो ये काम कर सकता है। द क्वेश्चन इज के डी परेशान क्यों हुआ, डी परेशान क्यों हुआ। इसलिए परेशान हुआ कि ए और सी ने बी को बता तो दिया कि भाई यू हैव ऑल द पावर, मगर कहीं लिखा नहीं, कहीं लिखा नहीं, कहीं स्पेसिफाई नहीं किया, कहीं डिस्क्राइब नहीं किया, कहीं राइट डाउन नहीं किया द रेलेवेंट अथॉरिटी, जिसकी वजह से ये डी जो है वो परेशान है। हाँ, अगर ये चीज किसी पार्टनरशिप एक्ट में लिखी होती, उनकी डीड में लिखी होती, उनके एग्रीमेंट में लिखी होती, तो बिल्कुल डी को पहले से पता होता कि भाई ही हैज दी एक्चुअल अथॉरिटी टू डील विद ऑल मैटर्स ऑफ कैश। तो अगर हम अथॉरिटीज को कागज पे ले आए, डिस्क्राइब कर दें और डिस्क्राइब करके सबको बता दें, वो कहलाएगी आपकी एक्चुअल अथॉरिटी। इसको हम एक्सप्रेस अथॉरिटी भी कहते हैं। क्या एक्सप्रेस अथॉरिटी? ये एक्चुअल अथॉरिटी को स्पेसिफाई करना पड़ता है। दैट स्पेसिफिकेशन हमें पता है कि ये एक्सप्रेस भी हो सकती है, यानी कि रिटन फॉर्म में भी हो सकती है, और ये ओरल वर्बल भी की जा सकती है। तो एक्सप्रेस अथॉरिटी इज दैट अथॉरिटी जो कि कहीं लिखी है या पार्टनर्स को इंडिविजुअली पता है कि भाई ये इसके पास पावर है, ये काम कर सकता है। देन कम्स इम्प्लाइड अथॉरिटी। इम्प्लाइड अथॉरिटी, इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या है? ऐसी अथॉरिटी जो कि बाय डिफॉल्ट उस पार्टनर को मिल जाए। भाई हमें पता है कि हर पार्टनर ने फर्म के बेनिफिट के लिए काम करना, हर पार्टनर ने फर्म के बेनिफिट के लिए काम करना, उसने फर्म के एसेट्स को प्रोटेक्ट करना, उसने फर्म की चीजों का ख्याल करना, फर्म के लिए मुनाफा बख्श काम करने। तो हर वो काम जो कि फर्म की बेनिफिट के लिए किया हो, इवन दो के उसकी उसके एम्बेड में ना आ रहा हो, बट स्टिल ये समझा जाएगा कि ये उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी थी। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी, ये दो पार्टनर्स हैं, इन्होंने मिलके एक दुकान खोली हुई है जहां पे ये लोग गोश्त बेचते हैं। अच्छा, हुआ क्या कि नॉर्मली ए इस दुकान पे बैठता था और बी बहुत कम इस दुकान पे आता था। ए का यहाँ पे एक
फ्रीजर पड़ा हुआ था जिसमें वो गोश्त को स्टोर करता था। एक दिन अचानक से ए को अपने गांव वापस जाना पड़ा किसी काम से, और उसने बी से कहा, यार देखो नॉर्मली तो मैं ये बिजनेस रन कर रहा होता हूँ, बट अब मैं जा रहा हूँ, यू हैव ऑल दी अथॉरिटी कि तुम इसको देखो। ए चला गया। बी अब नेक्स्ट डे दुकान पे आया और उसने आके सेल शुरू कर दी। हुआ ये कि 2 दिन के बाद ये फ्रीजर खराब हो गया, ये फ्रीजर खराब हो गया, और गोश्त जो इस फ्रीजर के अंदर पड़ा हुआ था वो भी खराब हो रहा था। तो इसने क्या किया, इसने ये फ्रीजर ठीक कराने के लिए दे दिया। इसने कहा, भाई ये पार्टनरशिप फर्म के लिए या पार्टनरशिप बिजनेस के लिए अहम चीज है, तो ये तो मैं कर सकता हूँ, ये मेरी अथॉरिटी में आता है। इवन दो कि ये एक्सप्रेस या वर्बल नहीं है, ए ने कहा नहीं था बी से, बट स्टिल चूंकि ये फर्म के लिए कर रहा है, फर्म के फायदे के लिए कर रहा है, बेनिफिट के लिए कर रहा है, तो ये उसको ठीक करवा सकता है, ये उसकी एक इम्प्लाइड अथॉरिटी है। इसी तरह ये अगर डेटर से जो उनके बकाया जाते हैं, जो पैसे रहते हैं, वो लेना शुरू कर दे, वो मांगना शुरू कर दे, तो डेटर्स उसको ये नहीं कहेंगे कि भाई देखो हम तो ए को जानते हैं, हम ए को पैसे देंगे, उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो हमसे पैसे मांगे, नहीं, वो इस बी को भी इक्वली लायबल है और वो बी को भी पैसे देंगे। तो कोई भी ऐसा एक्ट जो कि पार्टनर करता है बतौर एजेंट, हमें पता है कि हर पार्टनर अपनी फर्म का एजेंट है और फर्म प्रिंसिपल है, कोई भी एक्ट पार्टनर अगर करता है बतौर एजेंट या बतौर पार्टनर फर्म के लिए नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर, आउट ऑफ नॉर्मल कोर्स नहीं, नॉर्मल कोर्स के अंदर रहते हुए फर्म के नाम पे करता है, और उसकी जो इंटेंशंस होती हैं वो अच्छी होती हैं, वो ऐसे ही होती है कि फर्म को बाइंड कर सके टुवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट, फर्म को फायदा हो रहा हो, तो कोई भी ऐसा एक्ट जो कि किया जा रहा है दैट इज इम्प्लाइड अथॉरिटी। तो 2 तरह की अथॉरिटीज हमारे सामने आई। नंबर 1, वो अथॉरिटीज, वो पावर्स जो कि आपने किसी डीड में, कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में लिख दी है, और दूसरी इम्प्लाइड अथॉरिटी जो कि कहीं लिखी नहीं है बट उसके एम्बिट में फॉल कर जाती है, उसके एम्बिट में फॉल कर जाती है, फर्म के बेनिफिट के लिए काम करना, इसके लिए ये जरूरी है कि वो जो काम कर रहा है वो फर्म के लिए कर रहा है, उसकी भलाई के लिए कर रहा है, और वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर रह के काम कर रहा है, आउट ऑफ नॉर्मल कोर्स नहीं जा रहा। अगर मैं मजीद इम्प्लाइड अथॉरिटीज की बात करूं तो ये एक लिस्ट हमारे सामने आती है जिसमें पार्टनरशिप एक्ट हमें यह बताने की कोशिश कर रहा है कि कौन कौन सी इम्प्लाइड अथॉरिटीज हो सकती हैं। ये पॉजिटिव लिस्ट है, यानी कि ये वो इम्प्लाइड अथॉरिटीज हैं जो कि हर पार्टनर एंजॉय कर सकता है। क्या भाई, फर्म के नाम पे किसी से पैसे लेना या किसी को चीज बेचना, किसी से पैसे लेना, पेमेंट्स को रिसीव करना या चीजों को बेचना, या खरीदारी करना फर्म के पैसों से, फर्म के लिए, अपने लिए नहीं, फर्म के लिए अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं फर्म के पैसों से तो ये भी आपकी एक इम्प्लाइड अथॉरिटी है। फिर लोगों से बैड डेट्स वसूल करना, डेटर्स से पैसे लेना, क्रेडिटर्स को पैसे देना, लोगों से पैसे लेना और क्रेडिटर्स को पैसे देना, तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, पेमेंट्स रिसीव करना और दूसरों के डेट्स को डिस्चार्ज करना, खत्म करना। फिर फर्म के बिहाफ पे आप किसी को उधार पे माल भी दे सकते हो।
अगर ये फर्म का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, अगर वो फर्म उधार पे सामान बेचती है तो फिर वो भी बेच सकता है। बट अगर एक फर्म की पॉलिसी है कि सिर्फ कैश सेल्स होंगी, कैश ट्रांजैक्शंस होंगी, और अगर वो फिर डेट्स का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उधार का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वो टेक्निकली फर्म के बेनिफिट के लिए नहीं कर रहा भाई। पार्टनरशिप फर्म चल रही है, इम्प्लॉयज की जरूरत पड़ रही है, मुलाजिम रख लो, मुलाजिम रख लो। जो जो फर्म के स्टेक होल्डर्स हैं उनके अकाउंट सेटल करना, भाई तुम्हारे कितने पैसे रहते हैं ये पकड़ो, मुझे इतना माल दे दो, हाँ जी तुमसे मैंने इतने पैसे लेने हैं, मुझे पिछले पैसे दे दो, नया माल ले जाओ। तो अकाउंट सेटलमेंट करना, सामान खरीदना बेचना, पेमेंट्स रिसीव करना, डेट्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, मुलाजिम रखना, फिर फर्म के नाम पे चेक काटना, फर्म के नाम पे चेक काटना, ये जो आगे लाइन लिखी हुई है, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, ये भी आप ना पढ़िएगा बेशक, इसको फिलहाल कैरी फॉरवर्ड कर दें जब तक आप निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं पढ़ लेते। तो फर्म के नाम पे जब वो चेक काट के देता है किसी को भी, वो कर सकता है। फर्म के नाम पे फर्म की प्रॉपर्टी को प्लेज करना, मूवेबल प्रॉपर्टी को कर सकता है, बशर्त ये है कि बाकियों की कंसेंट से किया हो। किसी के खिलाफ केस कर देना फर्म के नाम पे, भाई एक मिस्टर के, उन्होंने ए बी सी एंड कंपनी के साथ धोखा किया, और बी को पता है कि धोखा के ने किया है, तो बी अब ए और सी का इंतजार नहीं करेगा, सीधा जाके के ऊपर केस फाइल कर देगा। तो फर्म के बिहाफ पे किसी पे केस कर देना, फर्म पे हुआ हुआ केस डिफेंड करना, उसको एडवोकेसी के साथ लेके चलना, मूवेबल प्रॉपर्टी को प्लेस कर देना, चेक काटना, मुलाजिम रखना, बाइंग एंड सेलिंग करना, डेट सेटल करना, ये सारी चीजें क्या है, इम्प्लाइड अथॉरिटीज में शुमार होती है। और ये लिस्ट पॉजिटिव लिस्ट है, मैं फिर से एक दफा इस चीज पे एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि ये पॉजिटिव लिस्ट है, इसका मतलब है कि ये वो लिस्ट है जो कि हर पार्टनर एंजॉय कर सकता है फर्म के नाम पे, बशर्त ये है कि इंटेंशन अच्छी हो, फर्म के बेनिफिट के लिए हो, और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये तमाम ट्रांजैक्शंस हो रही है। मुझे बताइए इस स्लाइड से रेलेवेंट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन विद रेफरेंस टू दिस स्लाइड। एक दफा इसको पढ़ लें, आगे चलते हैं। हमने कहा कि ये वो पॉजिटिव चीजें हैं जो कि वो भाई साहब एंजॉय करते हैं। आईकैप को पॉजिटिव लिस्ट पसंद तो है मगर इतनी खास नहीं, उसको ज्यादा मजा आता है वो रिस्ट्रिक्शंस पूछने का जो कि इम्प्लाइड अथॉरिटीज में फॉल नहीं करती। क्या मतलब, मतलब ये कि आईकैप रिस्ट्रिक्शंस को ज्यादा फोकस करता है एज कंपेयर टू डिफॉल्ट अथॉरिटीज इम्प्लाइड। वो कहता है कि भाई ये सारी के सारी इम्प्लाइड अथॉरिटीज मना है, यानी कि ये काम कोई पार्टनर खुद ही से नहीं कर सकता, खुद ही से नहीं कर सकता। आपको बार बार कैमरा ऑन ऑफ होता लग रहा है, इसमें मैं खुद इसको ऑफ कर रहा हूं,
बिकॉज खांसी आती है तो मुझे बस को ऑफ करना पड़ जाता है जी। तो ये वो कुछ अथॉरिटीज हैं जो कि लगती तो हैं कि इम्प्लाइड है, मगर पार्टनरशिप एक्ट ने इसको स्पेसिफिकली मना कर दिया। अगर आपको याद हो तो कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स होते थे जो कि एक्सप्रेसली वॉइड होते थे, तो इसी तरह से ये कुछ ऐसी इम्प्लाइड ड्यूटीज हैं जो कि उन्होंने एक्सप्रेसली मना कर दिए, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड अथॉरिटीज। वो कहते हैं कि भाई ये काम आप नहीं कर सकते, बट अगर आपने बाकियों से कॉन्सेंट ले ली, अगर आपने बाकियों से कॉन्सेंट ले ली ये काम करने के, या रिवाज है, कस्टम है, नॉर्मली ऐसे ही होता है, तो फिर कोई मना नहीं। बट अगर कस्टम नहीं है या कॉन्सेंट नहीं है, तो फिर ये जो ड्यूटीज हमें नीचे नजर आ रही है ये सारी के सारी क्या है, वॉइड। कितनी है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखते हैं, आर्बिट्रेशन। ये आर्बिट्रेशन क्या होती है, किसी सालिस के पास जाना, किसी थर्ड पार्टी के पास जाना। अगर ए बी सी केस करना चाहती है के ऊपर क्योंकि के ने फ्रॉड किया, तो बी के साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं करेगा कि बस छोड़ो आर्बिट्रेशन के पास चलते हैं और मुद्दे को सेटल करते हैं। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो आप किसी भी तरह का केस सबमिट नहीं कर सकते आर्बिट्रेटर के पास खुद ही खुदी से। इसका वाइस वर्सा भी होता है कि अगर आके बी से कहे कि यार देखो मेरे से गलती हो गई है, ये मुझे अदालत लेके जाना चाह रहे हैं, तुम्हें पता है अदालत जाएंगे मामला और बिगड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा भी हमारा भी, एक काम करते हैं इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लेते हैं, और बी मान जाता है, ये अलाउ नहीं है, ये अलाउ नहीं। तो आप किसी भी तरह का केस बगैर पार्टनर्स की कॉन्सेंट के किसी सालिस के पास लेके नहीं जा सकते। फिर फर्म के बिहाफ पे अपने नाम पे कोई बैंक अकाउंट अलग से नहीं खुलवा सकते। ओपन अ बैंकिंग अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम, अपने जाती नाम में। कहने का मकसद ये है कि फर्म का रेफरेंस आप अप्लाई करके अपने नाम में अकाउंट नहीं खुलवा सकते सेपरेट। किसी के साथ आउट ऑफ कोर्ट या आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट नहीं कर सकते, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। भाई ए बी एंड सी और अगेन के ले लेते हैं, सी ने के देने थे, सॉरी इस पूरी फर्म ने के देने थे 5 लाख रुपए। के मेरी आवाज क्लियर है, मुझे बताइएगा मेरी आवाज क्लियर है। ठीक, मैंने कहा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इस पूरी फर्म ने के देने थे 5 लाख रुपए,
तो अगर बी जाके के से मिलके आए और कहे कि यार देखो कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लो और के इस पे मान भी जाए तो ये अलाउ नहीं होगा, बेशक फर्म को फायदा हो रहा है, ये अलाउ नहीं होगा। अगर मैं इसका वाइस वर्सा भी करूं कि के ने ए बी सी के देने थे 5 लाख रुपए और के जाके ए से मिले और कहे कि यार देखो तुम्हारे मैंने दे दिए 5 लाख रुपया, 3 लाख लो और कहानी खत्म करो, बी सी को तुम खुद ही मना लेना, ये चीज भी अलाउ नहीं है। तो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते किसी के साथ भी। पार्टनरशिप फर्म ने सोचा था कि भाई हम के ऊपर केस फाइल करेंगे क्योंकि वो हमारा 5 लाख रुपया नहीं दे रहा। तो नंबर वन, आप उस केस को आर्बिट्रेटर के पास नहीं लेके जा सकते हैं, एंड नंबर टू आप उस केस को विड्रॉ भी नहीं कर सकते खुद ही खुद से। यानी कि जो भी केस चल रहा है, जो भी केस पार्टनरशिप फर्म ने किया हुआ है, आप खुद ही से उसको विड्रॉ नहीं कर सकते या उसको आर्बिट्रेटर के पास लेके नहीं जा सकते। अगर आपसे कोई कहे कि भाई तुमने हमारे इतने पैसे देने हैं और आप वो लायबिलिटी एक्सेप्ट कर लें विदाउट नोइंग द फैक्ट्स, तो ये भी चीज अलाउ नहीं है। भाई के कह रहा है बी को कि तुम लोगों ने मेरे 5 लाख रुपए देने हैं और बी मान गए, तो खाली बी के मानने से ए और सी पे ये चीज लागू नहीं हो जाएगी। मना कर दिया गया कि आप किसी भी तरह की कोई लाइबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर फर्म के ऊपर कोई केस चल रहा है और आप पे कहा दिया, आपको कह दिया जाता है कि भाई इतने के तुम लायबल हो, तो वो उसकी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस में ये बात नहीं आएगी। कोई भी पार्टनर एक्वायर नहीं कर सकता किसी भी तरह की इमूवेबल प्रॉपर्टी फर्म के बिहाफ पे, ना एक्वायर कर सकता है ना ट्रांसफर कर सकता है कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि फर्म की हो। कोई भी पार्टनर फर्म के बिहाफ पे अदर प्रॉपर्टी इमूवेबल एक्वायर कर सकता है और ना ही आगे ट्रांसफर कर सकता है। और आखिरी बात जो कि यहां पे की है, ये एक पार्टनरशिप फर्म है, ये दूसरी पार्टनरशिप फर्म है। बी इनसे जाके मिले और कहे आज से ए बी एन सी भी तुम्हारे पार्टनर्स हैं, ए बी एन सी भी तुम्हारे पार्टनर्स हैं, तो दो पार्टनरशिप फर्म्स को आपस में कंबाइन भी नहीं कर सकता कोई एक पद। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, लगता है कि हाँ उसके पास ये अथॉरिटी होगी, मगर ये अथॉरिटी उनके पास एग्जिस्ट नहीं करती। कौन सी आर्बिट्रेशन की, अकाउंट खोलने की, कॉम्प्रोमाइज करने की, केस वापस लेने की, लाइबिलिटी को एक्सेप्ट करने की, कोई चीज एक्वायर, इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करने की, इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की और किसी नई पार्टनरशिप में एंटर होने की अथॉरिटी पार्टनर के पास नहीं होती। ये उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी में फॉल नहीं करती, ये उसके डोमेन में नहीं आती। आप लोगों ने इस लिस्ट को देख के ज्यादा परेशान नहीं होना, इस लिस्ट को याद कर लेना है क्योंकि आई कैप कोई लिस्ट काफी पसंद है इस चैप्टर में से। इसको एज इट इज क्रैम करना। ज्यादातर जो वो चीज पूछता है केस स्टडी के अंदर भी, वो एक ये आर्बिट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट होता है, विड्रॉल वाला कॉन्सेप्ट होता है और ये कॉम्प्रोमाइज वाला कॉन्सेप्ट होता है। मगर फॉर अ क्रैमिंग बेस्ड क्वेश्चन दिस लिस्ट मस्ट बी ऑन प्रायोरिटी टू क्रैम। वो आपसे 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर तक कह सकता है कि भाई रिस्ट्रिक्शंस बता दे।
if you have any question, do ask from this slide. जी, एनी क्वेश्चन इफ यू गाइस हैव. सर कॉम्प्रोमाइज वाला बताओ. देखें, एक आपका कस्टमर है और उस कस्टमर ने आपको 10 लाख रुपए दे दिए. वो कस्टमर पार्टनर ए के पास आता है, उसको पता है कि पार्टनरशिप ए, जो पार्टनर ए है ना, वो थोड़ा सा इमोशनल बनता है. वो ए को आगे कहता है कि सर देखिए, मैंने आपका 10 लाख रुपया देना है और मैं एक गरीब शख्स हूँ, घर में मेरी बेटी की शादी भी है, तो काइंडली ये जो 10 लाख रुपया है ना, इसको रिड्यूस करके 2 लाख कर दे, मैं उससे ऊपर आपको नहीं दे पाऊंगा, उससे ऊपर आपको नहीं दे पाऊंगा. तो अगर वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है उस बंदे के साथ, उसका क्लेम कम कर रहा है, तो ये अलाउ नहीं है, ये अलाउ नहीं है. बगैर पूछे वो नहीं कर सकता, रिलिंक्विश नहीं कर सकता अपने राइट्स को उनसे पूछे बगैर. या एक सप्लायर ने एक स्पेसिफिक रॉ मटेरियल देना था 20 किलो, वो सप्लायर ए के पास आता है और कहता है सर वो आपको मैंने 20 किलो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना था, काइंडली उस पर थोड़ी सी कमी कर दे क्योंकि अभी वो चीज उस तरीके से मेरे पास अवेलेबल नहीं है. तो देखने को सामने सामने ये अथॉरिटी आपको लगेगी कि हाँ यार, वही कॉम्प्रोमाइज उस बंदे के साथ कर सकता है, अपने राइट्स छोड़ सकता है, मगर पार्टनर से पूछे बगैर, उनकी कंसेंट लिए बगैर, या अगर नॉर्मल बिजनेस में ऐसे ही होता है, ये रिवाज है, तो फिर वो कह सकता है कि भाई ठीक है, तो मुझे 20 किलो से कम दे जाओ, बट इतना आसान नहीं है. तो उसको पूछना पड़ेगा और फिर उसको देखना पड़ेगा. ये नॉर्मली इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर हम हर पार्टनर को ये राइट देते ना कॉम्प्रोमाइज का, तो फिर बाकी पार्टनर्स के खफा होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. एक कॉमन सवाल उठेगा कि भाई कम से कम पूछ ही लेते. तो वही जो कॉमन सवाल है, उससे बचने के लिए पार्टनरशिप एक्ट ने क्या किया, एक सीरीज ही डिफाइन कर दी अलग से कि भाई ये सारे काम तुमने पूछ के करने हैं, बगैर पूछे नहीं करने. ये तुम्हारी इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आती लिस्ट. तो आर्बिट्रेशन, अकाउंट, कॉम्प्रोमाइज, विड्रॉल, लाइबिलिटी एक्सेप्टेंस, एक्विजिशन, ट्रांसफर, पार्टनरशिप, यहां तक मुझे बताइए सब क्लियर है? आज की आखिरी बात, आप लोगों ने दो तरह की ड्यूटीज पढ़ी थी. एक एक सर एक थी आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी और एक थी मैंडेटरी ड्यूटी. जरा मुझे डिफरेंस बताइएगा, इन दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर है? क्या डिफरेंस था? व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी एंड मैंडेटरी ड्यूटी? मैंडेटरी ड्यूटी में यह था
ये पार्टनरशिप एक्ट ने किसने किसने पार्टनरशिप एक्ट ने ये ड्यूटियां फिक्स कर दी थी। पार्टनरशिप एक्ट ने कहा था कि भाई ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये फिक्स थी, ये डिस्क्राइब ऑलरेडी थी। और कॉन्ट्रेक्चुअल में ये हुआ था कि ये आपने इन एडिशन ऐड की थी, यानी कि आप मैंडेटरी के अलावा ये सारे काम करवा सकते हैं अगर डीड में लिखा हो, ऐसा ही है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल को बदला जा सकता था, मैंडेटरी वॉज फिक्स्ड बाय द एक्ट। ठीक हो गया। मुझे एक बात आपने बतानी है, एक सेकंड, जी ये बताइए, ए बी सी और दूसरी पार्टी है एक्स। एक्स ट्रांजैक्शन कर रहा है इस फर्म के साथ, एक्स ट्रांजैक्शन कर रहा है इस फर्म के साथ, क्या एक्स को पता होंगे इन पार्टनर के राइट्स एंड ड्यूटीज, अथॉरिटीज, क्या तमाम राइट्स, लाइबिलिटीज, अथॉरिटीज की नॉलेज एक्स के पास होगी या नहीं होगी? सोचे, क्या एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ये कहा होगा कि भाई मुझे सबसे पहले डीड दिखाओ जिसमें मैं देखूं कि ए के क्या राइट्स हैं, बी के क्या राइट्स हैं, सी के क्या राइट्स हैं, ए के क्या ड्यूटीज हैं, बी के क्या ड्यूटीज हैं, सी के क्या ड्यूटीज हैं? क्या एक्स ने ये चीज डिमांड की होगी सबसे पहले? तो यानी कि एक्स के पास नॉलेज नहीं है, ठीक है, ओके। बट मुझे ये बताइए, एक्स के पास नॉर्मल सोर्स क्या है जिससे वो इन पार्टनर्स की ड्यूटीज, राइट्स, लाइबिलिटीज आसानी से एटलीस्ट फाइंड आउट कर सकता है? वो कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट देखे जहां पे पार्टनर्स की ड्यूटी मेंशन हो कि ये कम से कम उनकी मैंडेटरी ड्यूटी है, हर पार्टनरशिप फर्म में कम से कम ये ड्यूटी पाई जाती है। ऐसा कौन सा कागज है जिसके ऊपर ये तमाम बातें लिखी होती है? पार्टनरशिप एक्ट। भाई अगर एक्ट में मैंडेटरी ड्यूटीज लिखी है तो कम से कम एक्स को ये तो पता ना कि ये फर्म में कम से कम ये वाली ड्यूटीज तो फुलफिल हो रही होंगी। इन इन चीज इन इन बातों के लिए, इन इन चीजों के लिए ये लोग कम से कम लायबल तो होंगे, कम से कम लायबल तो होंगे। तो अगर अगर उससे हट के यानी कि मैंडेटरी ड्यूटी से हट के कोई चीज तय हुई है पार्टनरशिप फर्म में, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी कहलाएगी या मैंडेटरी ड्यूटी कहलाएगी? फॉर एग्जाम्पल, इनमें डिसाइड हुआ कि बी बी जो है वो सेल नहीं करेगा सामान, बी सेल नहीं करेगा सामान, एक्स इनकी शॉप पे आता है, एक्स इनकी शॉप पे आता है और इत्तफाकन दुकान पे बी खड़ा हुआ। एक्स बी से कह रहा है मुझे इतना सामान दे दो। इन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि बी किसी भी तरह की सेल नहीं करेगा, ये डिसाइडेड है, उसकी अथॉरिटी पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी है।
एक्स सामान मांग रहा है, बी सामान नहीं दे रहा, तो क्या एक्स बी के ऊपर केस कर सकता है कि भाई मैंने सामान मांगा था, इसने मुझे सामान नहीं दिया, तो ये लायबल था सामान देने का, इसका काम था मुझे सामान देना, मैं ऐसे सामान परचेज करने आया था। भाई डेफिनेटली वो करेगा, मगर क्या एक्स को पता था कि बी को मना किया गया? क्या एक्स को इस चीज की नॉलेज थी कि बी को मना किया गया, बी को अलाउ नहीं किया गया सामान बेचने का? तो क्या ये चीज इफेक्टिव मानी जाएगी? अगर मैं पार्टनरशिप डीड में किसी ड्यूटी को रिस्ट्रिक्ट कर दूं कि ये पार्टनर ये काम नहीं करेगा, और थर्ड पार्टी अगर आके उसी पार्टनर से वही काम करवाना चाहे, और वो पार्टनर अपनी डीड के तहत मजबूर हो, तो क्या फिर उस पार्टनर के ऊपर किसी भी तरह की लायबिलिटी बनती है? किसी भी तरह की लायबिलिटी उस पार्टनर पे फिर नहीं बनती। तो जहां पे आप स्पेसिफिकली पार्टनरशिप डीड के अंदर मना कर दें, स्पेसिफिकली उनको रिस्ट्रिक्ट कर दें कि भाई ये पार्टनर ये काम नहीं करेगा, ये उसकी इंप्लाइड अथॉरिटी में नहीं आती, तो फिर वो शख्स ये काम नहीं करेगा। मगर वो थर्ड पार्टी जिसको नॉलेज ही नहीं है कि ऐसी चीज उस पार्टनर को मना है, तो उसके नॉलेज में लेके आनी पड़ेगी पहली बात। और अगर उसके नॉलेज में नहीं है और वो फर्म के ऊपर केस कर देता है, तो फिर फर्म को ये साबित करना पड़ेगा कि नहीं, देखे हमने जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी जिसके तहत ये चीज पूरी नहीं हो पाई, तो हम में से कोई भी कसूरवार नहीं है। कहने का मकसद ये है, वन लाइनर इज, कि जहां पे आप पार्टनरशिप डीड में कोई चीज रिस्ट्रिक्ट कर दें, तो कम से कम दूसरी पार्टी को बता दें, उसको नॉलेज दे दें, अदरवाइज वो यही अज्यूम करता रहेगा कि यहाँ पे ये इसकी इम्प्लाइड ड्यूटी या इम्प्लाइड अथॉरिटी है। अब यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो हमें एक्ट ने बता दी, जो हमने भी पीछे देखी, इनका आर्बिट्रेशन नहीं कर सकता, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, रिलिंक्विश नहीं कर सकता। मगर अगर आपने किसी पार्टनर को स्पेसिफिकली उसकी मैंडेटरी ड्यूटी से निकाल कर साइड पे कर दिया, या कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी से निकाल कर साइड पे कर दिया, तो फिर दूसरी पार्टी को भी उसकी नॉलेज आपको दे देनी चाहिए, ताकि आइडिया हो के वो कोई गुस्से में जाकर केस ना कर दे और ये फिर केस भुगतते ना रहे। ये वाला पॉइंट समझ आता है? थोड़ा सा ट्रिकी है, मगर इसको अंडरस्टैंड करना। अच्छा जी, अगली बात ये कि हर पार्टनर के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो इमरजेंसी के अंदर वो तमाम काम कर सकता है जो कि उसके फर्म के फायदे के लिए हो। अब जैसे उस पार्टनर ने फ्रिज ठीक करवाया था, दैट वाज एन इमरजेंसी सिचुएशन, गोश्त खराब हो रहा था, फ्रीजर तो ठीक कराना बनता था। तो हर कोई पार्टनर जो कि फर्म के लॉस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, फर्म के बेनिफिट के लिए काम कर रहा है, ऑर्डिनरी केयर के लिए काम कर रहा है, तो फिर वो ये काम कर सकता है। इन इमरजेंसी एवरीथिंग इज अलाउड। भाई तीन पार्टनर्स हैं, ए बी सी। सी को भेजा गया कि जाओ तुमने कश्ती पे जाना है और सामान लेकर आना है। अब सी कश्ती पर सामान लेकर आ रहा है, कश्ती में हो गया सुराख, पानी अंदर आ गया, और सी को कुछ सामान कश्ती से बाहर फेंकना पड़ा ताकि कश्ती वापस से स्टेबल हो जाए, और फिर वो कश्ती को साहिल पर लेकर आया। अब टेक्निकली उसने जो 20 किलो में से
अगर 5 किलो सामान बाहर फेंक भी दिया, अगर 5 किलो बाहर सामान फेंक भी दिया है और 15 किलो बचा भी लिया है, तो ये उसने जो काम किया ये उनके बेनिफिट के लिए काम किया, अदरवाइज 20 का 20 किलो डूब जाता। मगर उसने 5 किलो को कुर्बान किया है और 15 किलो बचा लिया, हैवी लॉस से बचा लिया। तो इन एमरजेंसी ही हैज ऑल द राइट, तो तमाम काम कर सकता। ये बात भी हमें समझ आती है। फिर आखिरी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन कहते हैं कि आप बाद में उसको अपना बना लें, या मैं ये कह सकता हूं कि लेटर ऑन अप्रूवल। होता क्या है, हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा है कि तुम्हारे पास ये वाली अथॉरिटी नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। लेट सपोज ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, एक्स के साथ डील थी, एक्स ने देने थे 5 लाख रुपया। एक्स आया ए के पास, उसने कहा यार मेरे पास 2 लाख ही है, 2 लाख ले लो। ए एग्री हो गया और एक्स ए को 2 लाख दे के चला गया। टेक्निकली ए ने क्या किया, ए ने कॉम्प्रोमाइज किया, उसने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया। बट जरूरी नहीं है कि हमेशा ही ये पार्टनर्स आपस में फिर लड़ाई झगड़ा करें, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि बी और सी ए की इस हरकत को अपना लें, मान जाएं, कह दें कोई बात नहीं, वाकई में एक्स जो है वो उसके घर शादी है तो हम 2 लाख रुपए ले लेते हैं, कोई मसला नहीं। पैसे तो आने जाने की चीज होती है, उसका अगर भला हो रहा है तो हमें भी सवाब हो। तो अगर एक पार्टनर अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर जाए, लिमिट क्रॉस करते, और बाकी पार्टनर्स उस चीज को एज इट इज अप्रूव भी कर ले, बाकी पार्टनर्स कहें कोई बात नहीं यार हम तुम्हारे इस एक्ट को, इवन दो कि वो एक अनऑथराइज्ड एक्ट था, बट स्टिल हम मान लेते हैं। लेट सपोज ये एक्स जो है वो आया था 27 तारीख को और बी और सी को पता चला है 30 तारीख को, और 30 तारीख को उन्होंने कहा है कोई मसला नहीं सब ओके, जो ए ने कर दिया खत्म, कोई मसला नहीं है, इवन दो कि उसने अपनी अथॉरिटी एक्सीड की है बट हम एग्री करते हैं, ये रेटिफिकेशन कहलाती है। ये कॉन्सेप्ट है रेटिफिकेशन का, और रेटिफिकेशन इज, अब देखना ये है कि किस डेट से ये एप्लीकेबल है, क्या 30 को एप्लीकेबल होगी या 27 को एप्लीकेबल होगी, क्या 30 से एप्लीकेबल होगी या 27 से एप्लीकेबल होगी। तो ये 27 तारीख से एप्लीकेबल होगी, जिस तारीख पे वो ड्यूटी एक्सीड हुई थी, जो अथॉरिटी एक्सीड हुई थी उस दिन से ये अप्लाई की जाएगी, ना कि रेटिफिकेशन डेट से। ठीक, तो अगर आपने कोई ड्यूटी एक्सप्रेसली मना कर दी है और वो पार्टनर वो ड्यूटी पूरी कर देता है तो ठीक है, बाद में अगर पार्टनर्स चाहें तो वो उसकी उस एक्सीडिंग अथॉरिटी को कवर कर सकते हैं बाय रेटिफिकेशन। और ये कब से मानी जाएगी, बैक डेट से, इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। रेट्रोस्पेक्टिव मींस पीछे से। और अगर थर्ड पार्टी की नॉलेज में नहीं था तो स्टिल अगर वो बाद में पार्टनर्स अलाउ कर देते हैं तो ये भी फिर काउंट की जाएगी कि हाँ ये उसकी अथॉरिटी में फॉल करती है। मगर एक चीज का ध्यान रखना है,
रेटिफिकेशन का हरगिज मतलब ये नहीं है कि फॉर फ्यूचर भी वो ड्यूटी उसके लिए खुल गई है, वो सिर्फ उसी ट्रांजैक्शन के लिए खुली है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, प्रोस्पेक्टिव नहीं। अगर एक पार्टनर को मना किया गया था कॉम्प्रोमाइज करने से बट स्टिल उसने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, तो बाकी पार्टनर्स कह सकते हैं कि यार चलो अब हम तुम्हारा ये एक्ट रेटिफाई कर रहे हैं, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आगे भी तुम लोगों को आसानी पहुंचाते रहो, अपने पैसे छोड़ते रहो। ये सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट टाइम हम लोग तुम्हारा ये एक्ट रेटिफाई कर रहे हैं, बाद में अगर तुमने कुछ इस तरह की हरकत की तो तुम जिम्मेदार होगे, तुम लायबल होगे। तो रेटिफिकेशन का हरगिज मतलब ये नहीं होता कि आप उसके लिए वो ड्यूटी ओपन कर रहे हो, वो ड्यूटी वो रिस्ट्रिक्शन अपनी जगह पे वैलिड है, सिर्फ उस स्पेसिफिक एक्ट के लिए मना किया जा रहा है और उस स्पेसिफिक एक्ट को अपनाया जा रहा है, और फ्यूचर के लिए पहले भी मना थी अब भी मना। तो ये सारी बातें हम लोगों ने आज देखी है, आप लोगों ने इसको रिवाइज लास्ट भी करके आना है ताकि जब हम लोग कल मिले तो ये चीजें आपको आती हो। डन, अगली क्लास सर पे खड़ी होगी आके, तो कोई मसला कोई सवाल अगर हुआ तो आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। इन द मीनवाइल टेस्ट के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़।